भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आज हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को उनकी जन्मतिथि पर याद कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह, स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह, शहीद घुनु सिंह, लक्ष्मण प्रसाद को भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार।